हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हाउस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज यहां पर हम लोग सिर्फ आपको एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं। हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज हाउस। मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज हम डिस्कस करेंगे 21 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि फिल्म व्हाट विल पीपल से के लिए नॉर्वे का राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो किस फिल्म के लिए जीता गया इसका, इस फिल्म का नाम भी रखिएगा, व्हाट विल पीपल से, और ये नॉर्वे का राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है आदिल हुसैन। तो इसका सही आंसर होगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और नॉर्वे से क्वेश्चन तो आता ही आता है, कि नोबेल पीस प्राइज जो है वो कहाँ दिया जाता है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। और बाकी बचे नोबेल प्राइज कहाँ दिए जाते हैं? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, ध्यान रखिएगा। फिर किस ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो किसने लिया है संन्यास? तो इसका सही आंसर होगा मिशेल जॉनसन। मिशेल जॉनसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, कहने का मतलब है कि टेस्ट, ना ही टेस्ट खेलेंगे, ना ही वनडे खेलेंगे और ना ही टी20 खेलेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा शाह महमूद कुरैशी। और परवेज़ खटक क्या बने हैं? तो परवेज़ खटक बने हैं रक्षा मंत्री। परवेज़ खटक रक्षा मंत्री बने हैं और असद उमर जो है वो वित्त मंत्री बने हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इमरान खान, नए प्रधानमंत्री इमरान खान 22वें प्रधानमंत्री बने हैं। फिर है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? तो हम पहलवानी की बात कर रहे हैं और महिला पहलवानी की बात कर रहे हैं। तो एशियन गेम में ये इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता है, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है विनेश फोगाट। 50 किलो में ये इन्होंने जीता है। फिर है भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये किया गया है पोखरण रेंज में, जो कि राजस्थान में है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है हेलिना। तो ध्यान रखिएगा, ये अभी अभी किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मॉरिशस में किस भाषा के प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो किसका किया? हिंदी, नेपाली, मैथिली या फिर पाणिनी? तो किसका किया? इसका सही आंसर होगा पाणिनी। और मॉरिशस में अभी हुआ है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ये मॉरिशस के पोर्ट लुइस में हुआ है। पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है, ये ध्यान रखिएगा। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री का भी नाम पूछा सकता है, तो इनका नाम है प्रवीण कुमार जगन्नाथ। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। और ये भाषा है पाणिनी, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में किया गया है। फिर है अमेरिका ने किसे लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? इसका सही आंसर होगा, आपने इनका पिक थंबनेल पे भी देखा होगा, जनरल दलवीर सिंह सुहाग। इनको असाधारण मतलब देने के लिए, सहयोग देने के लिए सेना में इनको ये पुरस्कार दिया गया है अमेरिका के द्वारा, जनरल दलवीर सिंह सुहाग को। अभी कौन है हमारे आर्मी चीफ? तो विपिन रावत। ये पहले थे दलवीर सिंह सुहाग 2014 से 2016 तक थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत और किस देश के बीच मैत्री अभ्यास होता है? तो मैत्री अभ्यास किस देश के बीच होता है? थाईलैंड के बीच। भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री अभ्यास होता है, जो कि अभी अभी ख़त्म हुआ है। और ये थाईलैंड की राजधानी कहाँ पे है? तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, ये ध्यान रखिएगा। और भारत और नेपाल के बीच कौन सी अभ्यास होती है? तो सूर्य किरण। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण, ये ध्यान रखिएगा। फिर श्रीलंका के बीच कौन सी होती है? तो मित्र शक्ति। भारत और श्रीलंका के बीच होती है मित्र शक्ति। और भारत और इंडिया के बीच, सॉरी, भारत और रूस के बीच होती है कौन सी एक्सरसाइज? तो इंदिरा। तो ये चीज़ सब ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है कि भारत के किस स्थान पर देश की पहली पार्किंग अथॉरिटी बनाई जाएगी? तो ये किस स्थान पर बनाई जा रही है, मतलब बनाई जाएगी? तो मुंबई में। ये पार्किंग को व्यावसायिक बनाने के लिए मुंबई में इसकी पार्किंग अथॉरिटी बनाई जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस देश ने साइबर टावर का नाम अटल बिहारी वाजपेयी टावर रखने की घोषणा की है? तो किस देश के द्वारा की गई है? ये भी मॉरिशस के द्वारा ही की गई है, मॉरिशस। फिर नेक्स्ट है हाल ही में समाप्त हुए बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास। बहुराष्ट्रीय मीन्स इसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया।
बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये अभी अभी खत्म हुआ है। पिच ब्लैक किस देश में हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, और ऑस्ट्रेलिया में ही इस बार हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसमें इंडिया ने भी भाग लिया था, और ये मतलब हर एक दो वर्ष में आयोजित किया जाता है, और इसमें 16 देशों ने भाग लिया था, और इसमें इंडिया भी था इन 16 देशों में, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य ने दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 3 पुरस्कारों की घोषणा की है? तो किस राज्य के द्वारा किया गया है? ये किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, और मध्य प्रदेश का ही एक शहर है ग्वालियर, यहीं पे जन्म हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 को, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। इनके जन्मदिन के बारे में भी डिस्कस पूछा जा सकता है कि कितने डेट भी पूछा जा सकता है, तो 25 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 को ही। और ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया, और 3 पुरस्कार कौन कौन सा शुरू किया गया है ये भी पूछा जा सकता है। तो पत्रकारिता में दिया जाएगा ये अवार्ड, और कवि में दिया जाएगा, मीन्स अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, और शासन प्रबंधन में दिया जाएगा। और एमपी में एक स्टेशन का नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन किया जाएगा, उस स्टेशन का नाम क्या है? तो हबीबगंज स्टेशन, एमपी में ही है हबीबगंज स्टेशन, उसका नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन नाम रखा जाएगा, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे, सबसे पहली बार 1996 में, फिर दूसरी बार 1998 में, और फिर जो है वो दूसरी बार भी फिर 1998 अक्टूबर में ही बने, और 5 साल के लिए। तो सभी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सभी 980 मास्टर में 1000 खिताब जीतने वाला पहला टेनिस खिलाड़ी कौन बना? तो इन्होंने 1000 खिताब जीता, और सभी 980 मिलाकर, देखिए 980 में सबसे इम्पॉर्टेंट है वो 4 जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 4 ग्रैंड स्लैम से पूछा जाता है कि पहला ग्रैंड स्लैम कब होता है, या फिर दूसरा ग्रैंड स्लैम जो है वो कौन सा होता है? तो पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, फिर तीसरा होता है विम्बलडन ओपन, और चौथा होता है यूएस ओपन। चौथा अगस्त सितंबर के महीने में होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और विम्बलडन जून में होता है, और फ्रेंच ओपन मई में, और ऑस्ट्रेलियन ओपन फरवरी में, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? नोवाक जोकोविच ने 100 खिताब इस 980 को मिलाकर जीता है, सॉरी 100 नहीं 1000 खिताब, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो कि आपने जाना। और ये भी पूछा सकता है जो मैंने बताया था विनेश फोगाट के बारे में, कि विनेश फोगाट ने किसको हराकर गोल्ड मेडल जीता, क्योंकि ये भारत महिला के द्वारा पहलवानी में पहला एशियन गेम स्वर्ण पदक है। तो यूकी आईडी को हराया गया था, यूकी आईडी को जापान की थी, और 6-2 से हराया गया था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल नॉलेज हाउस को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।